दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया रिमोट कंट्रोल बुलडोजर जेसीबी टॉय। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, वो भी चालू बारिश में। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारा दोस्तों पानी भर गया है, यहाँ पे दो बफेलो भी बह ना रहे हैं। देखो उसको छोड़ते अभी हम वीडियो पे फोकस करते हैं। दोस्तों एंड तक देख के रहिए, और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बुलडोजर जेसीबी है रिमोट कंट्रोल, ये येल्लो कलर का जेसीबी उसका रिमोट है। टोटल छः चैनल है इसमें, बाकी सब यहाँ पे दिखाया है। हमारा जेसीबी का पूरा बॉडी है, यहाँ पे जेसीबी में बैटरी डालना है वो दिखाया है, रिमोट का बैटरी दिखाया, तो वो सब दिखाया, अलग अलग चीज़ें दिखाई गई। तो दोस्तों हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो तो इसका अनबॉक्सिंग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा जेसीबी है, ये दोस्तों इसका रिमोट है, रेड कलर और ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन में। देखो ये उसका रिमोट, जेसीबी के रिमोट की जो बैटरी है ना वो रिचार्जेबल आती है, उसकी चार्जिंग केबल है जो, और रिमोट में जो सेल आते हैं ना वो नॉन रिचार्जेबल सेल आते हैं, तो आपको अलग से लेने पड़ेगा। और जेसीबी में ना दोस्तों सेल इंक्लूडिंग ही आएगा, बैटरी आएगी ना वो। हमारे जेसीबी का ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे नीचे आपको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा होगा, इसको हमने ऑन कर दिया है। और दोस्तों जेसीबी को चलाते हैं, चलो दोस्तों इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। देखो दोस्तों हमारा ये बुलडोजर जेसीबी है ना, उसमें एक मोड अलग से है जो दूसरे टॉयज में नहीं आते, इसमें ऑटोमेटिक मोड है। एक एक बटन दबा प्रेस करने से ना पूरा जेसीबी ऑटोमेटिक वर्क करेगा। देखना रिमोट तो यहीं पड़ा है फिर भी जेसीबी चल रहा है, देखो सब सब साइड से। और पीछे बफेलो अपने आराम से मज़े कर रहे हैं पानी में, देखो दो बफेलो है, अपना जेसीबी चल रहा है बढ़िया सा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी हम जैसे जैसे भी है ना पानी भरने वाले, ये मोड को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों जेसीबी में पानी भरने वाले हम, नहीं आया नहीं है, थोड़ा जैसे भी और आगे ले जाते हैं। नहीं चल रहा है, हाथ से रख देते, अब पानी भरते। देखो देखो दोस्तों पूरा का पूरा हमने भर दिया पानी से, देखो अब खाली कर दे, देखा ना कितना सारा दोस्तों पानी हमने जेसीबी में भरा है हमारे। देखो फिर से भरते हैं, आप देख सकते हैं कितना, रोड पे इसको दिखा दे, चलो गिर ना जाए, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो नहीं ब्लैक वाले में दिखा दे, देखो दोस्तों पानी इसने भर के दिया है, फिर से एक बार भर दे, चलो इसको ऐसे ही पीछे लाते, आ पाता है नहीं, डूब गया। फिर भी अभी पानी तो है ही दोस्तों, देखो अब यहाँ पे दोस्तों खाली करते, चलो अमेजिंग, काफी दोस्तों बढ़िया प्रोडक्ट है। दोस्तों हमने हमने जेसीबी में ना मिट्टी भर लिया है कंकड़ टाइप, तो इसको ये पानी में खाली करते, चलो देखो पूरा का पूरा खाली कर दिया है। थोड़ा दोस्तों रह गया वो हम पानी में धोते हैं हमारे जेसीबी को, नहीं लाते, चलो पूरा का पूरा दोस्तों साफ कर दिया है। अभी ने जेसीबी को रोड पे चलाया है ना, तो इसीलिए जेसीबी बहुत मेला गंदा हो गया है, तो इसको धोने वाले हैं। चलो धोने के बाद हम फिर से इसको डेमो पीस में रख देंगे। तो
दोस्तों हमारा जेसीबी रेडी हो गया है। तो दोस्तों प्रोडक्ट की जेसीबी की रिव्यू की बात करें ना दोस्तों, ये जेसीबी बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, पर इसकी एक माइनस पॉइंट है। जो माइनस पॉइंट है, जेसीबी की स्पीड बहुत कम है, जेसीबी की स्पीड कम है और ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, और ये 360 रोटेट नहीं हो रहा है। दूसरे जेसीबी आते हैं वो 360 रोटेट होते हैं। फिर भी दोस्तों ये जेसीबी आपको लेना होना ना, तो इसकी लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।